दिस इज स्टाइल विद साइबा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि बहुत इजी मेकअप लुक होने वाला है गाइस, और मुझे पसंद आया, दैट्स वाई मैंने ये क्रिएट किया है ये वाला मेकअप लुक। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी तरह दिखना चाहती हूँ, क्योंकि उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मेरे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल भी मैं सेम नहीं दिखती हूँ। जस्ट मैंने एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है, वो भी विदाउट मेकअप ब्रशेज। तो अगर आपको ये देखना है कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया है, तो आपको देखना है वीडियो को एंड तक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्किन को प्रेप करने के साथ में। और यहाँ पे मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ, यहाँ पे रोज़ वाटर मैंने यूज़ किया अपने फेस के हाइड्रेशन के लिए, और यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ वाटर मैंने यूज़ किया है। देन उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। विंटर्स में तो मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी आपको ना स्किप नहीं करना है, और उसके बाद अपने फेस के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे अपना आई मेकअप। बहुत ईजी सा आई मेकअप है, और बट थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से किया है। तो यहाँ पर मैं अपने कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेबेलिन फिट मी का कंसीलर। अपने जो भी कंसीलर एरिया है उनको कंसील कर रही हूँ अच्छे से, और एज आई शेडो बेस भी अच्छा वर्क करता है ये वाला जो कंसीलर है वो। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और ये एक न्यू वाला ब्यूटी स्पॉन्ज है, जो कि डायमंड शेप में है, और मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी सीरीज़ में, तो आप अभी देख सकते हो। ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से किया है इसने जो मेरे कंसीलर का था वो। उसके बाद मैं अपने आई को जो बेस हमने रेडी किया ना, उसको सेट कर देंगे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ SFR का, और काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है, मैट आई शेडो इसमें मिल जाएंगे आपको। हाँ, सबसे मेन है ना गाइज, यहाँ पे ब्रशेस का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड लेके ब्राउन शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से, रिंग फिंगर की हेल्प से ही, और काफ़ी टफ होता है यहाँ पे ना ब्रशेस के लगाना। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरीके से जो आई मेकअप किया है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया L18 के पिंक शेड में लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है ये, और काफ़ी उससे मिलता जुलता भी था। तो मेरे लिपस्टिक से तो मेरे को लगा नहीं, और इसलिए मैंने अपने हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया। अपना जो इनर कॉर्नर पे इसको प्लेस करना है आपको लिपस्टिक को लेके, और एज अ हाईलाइटिंग पॉइंट जो इनर कॉर्नर होता है उसको भी हाईलाइट उसी लिपस्टिक से ही करना है आपको। और क्योंकि आप आई शेडो लगाते हो वो ज़्यादा मतलब अजीब सा ही हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का यूज़ किया है। मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद सेकेंड वाली आई में भी मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको अच्छे से लगा दूंगी। ये कुछ इस तरीके के बाद टर्न आउट हुआ था आईज़ का जो मेकअप है वो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मेरे को अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना था ताकि लिपस्टिक का जो शेड है वो भी अच्छा निकल कर आए। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से एक कॉपर शेड ले रही हूँ, और कुछ सिल्वर टाइप का है, मुझे उस मेकअप लुक में कुछ इसी तरीके का लुक नज़र आया था। तो फिंगर की हेल्प से ही, क्योंकि ब्रशेज़ का तो यूज़ करना नहीं है, तो फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको अपने आईलेट पर प्लेस कर दूँगी, इनर कॉर्नर को छोड़ के, जो कि मैंने पिंक वाला शेड लगाया था वो उसको स्किप करके उसके बाकी एरिया पे जो है मैं फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर दूंगी कुछ इस तरीके से। और ब्राउनिश शेड है ये कुछ, अगर आपके पास हो तो आप ये बिल्कुल एक ना ऐसा मेकअप लुक है कि आप करके बाहर भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है या अजीब सा है, बहुत सिंपल, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा ये लुक। और उसके बाद यहाँ पे मैं सेकेंड आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जो कि मेरा मास्क आई शेडो पैलेट है मैट सेम, और जो मैंने पिंक वाला जो अपनी लिपस्टिक लगाई थी वो ज़्यादा स्टिकी ना लगे, इसलिए उसके ऊपर मैंने सेट करने के लिए ये पिंक वाला आई शेडो यूज़ किया है सेम। उसके बाद आईलाइनर बहुत थोड़ा मुझे लगाए दिखा था उसमें कि लग रहा है आईलाइनर, तो मैं बिल्कुल हल्का सा आईलाइनर लगा रही हूँ अपने आईलैशेस के पास पास, बिल्कुल आप देख सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। बहुत ज़्यादा मैं मेसी पर्सन हूँ, और ये देख रहे हो मेरे जो फाउंडेशन की हालत है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। तो मैं अपने फिंगर टिप की हेल्प से ही अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ डॉट डॉट मोशन में इस फाउंडेशन को, और मेरा जो शेड है वो है सन बेज मेबेलिन का फाउंडेशन, और काफ़ी अच्छी कवरेज भी आपको प्रोवाइड करता है ये, और कुछ ब्राउनिश स्किन टोन का ही मेकअप लग रहा था मेरे को वो। उसके बाद यहाँ पे सेट करना है, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेट कर रही हूँ, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा सेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है मेकअप। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को जो लैश लाइन में लगाना था वो है गोल्ड वाली NYB की पेंसिल, और आप चाहो तो वाइट वाली पेंसिल भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई फॉल्स लैशेस मेरे को नहीं दिखी थी, तो यहाँ पर मैं जो अपने आई लैश कलर से ही अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन का ये मस्कारा, जो कि काफ़ी अच्छा मस्कारा है। उसके बाद डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों आईज़ में, और काफ़ी अच्छे से ये अपनी लैशेस को जो है अपलिफ्ट कर देता है। उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से ही सेम कॉन्टोरिंग कर रही हूँ बहुत लाइट लाइट, और ये जो मेकअप लुक था वो बिग बॉस 13 में एज अ गेस्ट जो हिना खान थी ना वो बनकर आई थी, तो उसका ये मेकअप लुक मैंने अचीव किया है।
और मैं बहुत लाइट लाइट कॉन्टोर कर रही थी अपने फेस को, ज़्यादा मैं कॉन्टोरिंग करना पसंद नहीं है मेरे को, तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। अपने फिंगर की हेल्प से मैं सेम ब्राउन शेड लेके आई शेडो पैलेट में से और लाइट लाइट में कॉन्टोर कर दूँगी अपने फेस को। देन उसके बाद एज अ ब्लश के लिए मैं यहाँ पे सेम लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्लश उसमें मुझे नज़र नहीं आया था, तो अपने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। उसके बाद हमारी आईब्रो तो रह गई थी, इसके बिना तो मेकअप लुक कम्प्लीट हो ही नहीं सकता है ना गाइज। तो फिर मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया था ऑफ कैमरा ही, सेकेंड वाली को भी आईब्रो एडीएस की आईब्रो पेंसिल मैंने यूज़ की थी। देन उसके बाद मेन जो यहाँ पे आता है ये SFR का बेक्ड हाईलाइटर, ये ब्रॉन्जर टाइप भी है तो आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। फिंगर की हेल्प से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो लगी, और पिगमेंटेड भी है काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और अफोर्डेबल रेंज में भी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्पूनिंग गारंटी स्टे क्वालिटी की लिपस्टिक, और उसके बाद मेरा जो मेकअप लुक है कुछ इस तरीके का टर्न आउट होकर आया था। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।